हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, बच्चों को कौन पसंद नहीं करता। बच्चों को भगवान का रूप और समाज का भविष्य माना जाता है। लेकिन कभी कभी दुनिया में कुछ ऐसे बच्चों का जन्म हो जाता है जो साधारण बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं, जिन बच्चों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। समाज तो क्या, खुद माँ भी अपने ऐसे बच्चों को स्वीकार नहीं कर पाती है। और आज हम आपको बताएंगे दुनिया में जन्मे कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में, जिन्हें किसी ने एलियन कहकर पुकारा, किसी ने शैतान, तो किसी ने भगवान। नंबर एक पर है सिरेनोमिलिया। दुनिया तब हैरान रह गई जब साल 1999 में अमेरिका के केबीबंक पोर्ट शहर में जलपरी जैसी दिखने वाली एक बच्ची ने जन्म लिया। बच्चे का नाम शिलोह पेपिन था। शिलोह सिरेनोमिलिया नाम की जेनेटिक कंडीशन से ग्रसित थी। उसकी बॉडी में बहुत सारे अंग मौजूद नहीं थे। 10 साल बाद शिलोह की मौत हो गई। 2009 में निधन से पहले उसके किडनी ट्रांसप्लांट समेत 150 सर्जरियां हुई थी। 150 से भी अधिक सर्जरी के बाद भी डॉक्टर शिलोह को नहीं बचा पाए। नंबर दो, साइक्लोपिया। क्या आपने कभी किसी एक आंख वाले बच्चे को देखा है? अगर नहीं तो इसे देख लीजिए। साइक्लोपिया ये एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी है जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे की दो आंख की जगह सिर्फ एक आंख ही डेवलप हो पाती है। 2012 में इस बीमारी से ग्रस्त एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसकी ना तो नाक थी और ना ही मुंह। इसकी एक ही आंख थी और जन्म के कुछ समय बाद ही इस बच्चे की मौत हो गई। ये बच्चा देखने में इतना डरावना था कि इसकी मां ने इसे गोद में लेने से भी इनकार कर दिया था। नंबर तीन, क्रैनियोपागस पैरासिटिकस। साल 2004 में इजिप्ट में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके सिर के साथ एक और सिर जुड़ा हुआ था। डॉक्टरों के मुताबिक ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बच्चे के माथे से दूसरा सिर जुड़ा होता है। पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 10 मामले ही ऐसे आए हैं जिनमें से सिर्फ 3 ही जिंदा रह पाए हैं। 2004 में इजिप्ट में इस बीमारी के शिकार एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसके माथे के साथ उसकी जुड़वा बहन का सिर भी हुआ था। हालांकि सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने सिर को अलग तो कर दिया, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से वो सिर्फ 13 महीनों तक ही जिंदा रह पाई। नंबर चार, इक्टोपिया कॉर्डिस। इक्टोपिया कॉर्डिस इस बीमारी में नवजात बच्चे का दिल उसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकला होता है। इस बीमारी से ग्रस्त बच्चों के बचने के चांसेस अधिक होते हैं, लेकिन तभी जब एक अच्छा डॉक्टर या सर्जन बच्चे के दिल को वापस उसके शरीर में फिट कर दे। 2015 में भारत में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जिसका दिल बॉडी से बाहर था। डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी 10 लाख लोगों में सिर्फ 8 लोगों के होने की संभावना रहती है। नंबर पांच, पॉलीमिलिया। साल 2015 में झारखंड में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके 4 हाथ और 4 पैर थे। आपको सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। डॉक्टरों के मुताबिक पॉलीमिलिया नाम की इस बीमारी की वजह से बच्चे की बॉडी के साथ एक्स्ट्रा हाथ पैर जुड़े रहते हैं। ये एक्स्ट्रा हिस्से गर्भ में मौजूद उसके जुड़वे के होते हैं जो किसी कारण से विकसित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में वो ग्रो कर रहे बच्चे की बॉडी से जुड़ जाते हैं। झारखंड में जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो वहां के लोग इसे भगवान का रूप मानकर पूजने लगे थे। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में जन्मे कुछ बेहद अजीबोगरीब बच्चे जिन्हें स्वीकार करने की क्षमता न तो समाज में थी और ना ही उनके माँ बाप में। आप ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।